हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि हमारे चैनल पर जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं तिनसुकिया जिले के सफर पे। तिनसुकिया जो कि असम के पूर्वोत्तरी छोर पर स्थित है, ये असम का 7वां सबसे बड़ा शहर है जो कि 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और इसकी आबादी 1,26,000 से भी अधिक की है। इस जिले को 1 अक्टूबर 1989 में डिब्रूगढ़ से अलग किया गया था और आज ये जिला 4 तहसीलों में बंटा है, जिसमें तिनसुकिया, सादिया, मार्गरिता और डुमडुमा शामिल है। इस जिले की साक्षरता दर 70% की है, जहाँ 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो ये अहोम, जूतिया और मातक साम्राज्य के अधीन रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ 1882 में डिब्रूगढ़ सादिया रेलवे की शुरुआत हो गई थी। ये तब की बात है जब भारत के कुछ चुनिंदा जगहों पर ही रेलवे चलती थी, जो कि आज तिनसुकिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अहम जरिया है। दोस्तों, ये जान के आपको हैरानी होगी कि यहाँ के डिगबोई में भारत का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी मौजूद है, जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक अहम स्तंभ है। यहाँ के कल्चर में आपको हिंदू तथा क्षेत्रीय जनजातियों के बीच का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। यहाँ मुख्य रूप से बिहू, दुर्गा पूजा, कर्मा और छठ के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ 89% हिंदू, 5.79% क्रिश्चियन, 3.64% मुस्लिम और 1% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। आवागमन के साधनों पर नज़र डालें तो यहाँ का न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन भारत के मुख्य रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण जरिया है। हवाई मार्ग की बात करें तो आप यहाँ के निकटतम एयरपोर्ट डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का इस्तेमाल अन्य शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो ये राष्ट्रमार्ग 37, 38 और 153 से अच्छी तरीके से जुड़ा है, जिससे ये अपने पड़ोसी शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। तो दोस्तों, अंत में ये जान लेते हैं कि कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में जहां आपको ज़रूर विजिट करने जाना चाहिए, जिसमें आप यहां के तिलिंगा मंदिर, सहानी मंदिर, डिब्रूगढ़ साई कोवा नेशनल पार्क और आप यहां के इंडियन रेलवे पार्क में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये शहर पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।